कर ले। हैं? आराम से आराम से आराम से बैठ बैठ, कुर्सी पर बैठूंगा। उसी में देखिए कैसे, देखिए 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 कैसे कैसन गाना सुनती है। अरे तू करी हाय, अरे बोलो हेलो, बोलो हेलो दोस्तों। खाने में खाली आलू दम बना दो और हम लोग चूरा दही दूध मीठा तिलकुट खाएंगे। ऊपर देखे ना मुड़िया कह लो, नीचे कह ले कर ले पागल जैसा। आलू दम मसाला गम भोजन आचे छमा छम। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गुड लगे, प्रणाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे कौशन ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खैरियत होंगे। तो दोस्तों वो हमारी तरफ से, काजल की तरफ से, बाबू की तरफ से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि दोस्तों वो कल भी था 14 जनवरी को, आज भी है 15 जनवरी को। तो हम लोगों की तरफ 15 जनवरी को मनाया जा रहा है मकर संक्रांति। और ये दूध उबल गया रे, ये देखिए। तो अभी अभी दुगुआ उठा है दोस्तों, दूध पी रहा है, उसके लिए दूध लेकर के आए थे। वो देखिए जैसे उबल गया, उबल करके नीचे भी गिर गया थोड़ा सा। और क्या, अभी जाते हैं घर की सफाई करने और साथ में घर में जो जाले जाले हैं वो साफ कर, मम्मी से कर रही है इसे साफ कर देते, लेकिन मम्मी जाले साफ कर रही है, इस वाले रूम में सफाई कर रही है, कि कोने वाले रूम में सफाई कर रही है। और हम दोस्तों पानी भर लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे पानी भर लिए हैं ये सारा, क्योंकि किचन धोना है और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। मतलब नीचे फर्श जो है वो देखिए काला ज़्यादा हो गया है और स्लेट वगैरह में कुछ कुछ काला हो गया है। तो उसे सर्फ डाल करके अच्छे से ब्रश करके रगड़ेंगे, उसको साफ करेंगे। और तो चलते हैं, सुबह तो हो गई है और जाते हैं किचन में सफाई करते हैं। फिर उसके बाद काजल खाना बनाएगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इसलिए पानी चालू करके रखे हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा काम करने में। खाना कुछ नहीं बनाना है, खाने में खाली आलू दम बना दो और हम लोग चूरा दही दूध मीठा तिलकुट खाएंगे। बस तो ये देखिए अभी बाबू को दवा खिला रहे थे और फिर अभी सुस कर लिया अपने चेहरे पे। अभी देखिए इसको ये मतलब भीगा है, अभी पैंट पहना है इसको, हर तरह भीगा गाधा, बार बार जैसे ऐसे चेहरे पे सुस कर लेता है। हाँ चलो अभी भीग गया, ज़्यादा भीग गया रे, हाँ इसको चेंज करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों मम्मी घर धो भी रही है और हम तो बाबू के लिए हैं, काजल चाय बना रही है, चाय बना करके आएगी तो फिर अरे हो जीता है, हो जीता है, देखिए पेशाब करके मुँह में पत्ती है जो बैठ तो हम कर देंगे, अरे लेने हम कर ले देंगे, टाइम लगे थे ना बढ़िया से, पैसा कर देते हैं। तो दोस्तों ये अभी चाय पी रहे हैं और काजल बोल रही है कि किचन से पहले ये वाला रूम पहले साफ सुथरा कर दीजिए क्योंकि बाबू अभी सोएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इस रूम को अच्छे से साफ कर लेते हैं और सब अच्छे से सरिया देते हैं बेड वेड, और जो भी पोछना पोछना है वो सब पोछ उछ लेते हैं, फिर उसके बाद किचन में करते हैं। तो चाय पी करके दोस्तों पहले यही वाला रूम साफ कर लेते हैं, ये वाला खटिया बाहर निकालेंगे ताकि नीचे से पानी से अच्छे से धो सकेंगे, क्योंकि ये बिछा हुआ था तो जगह नहीं था स्वैप करने का, तो इसको निकालना पड़ेगा। बाकी बॉक्स वॉक्स जो यहाँ वहाँ नहीं था, रेस लेके गया था, वो यहाँ पे फिट कर दिए हैं और इसको निकाल करके बाकी इसको पानी से धोएंगे। तो दोस्तों झाड़ू लगा दिया अपने रूम में, अब क्या वो नीरज पानी ला रहा है, अब इस रूम को पानी से धोएंगे। दोस्तों ये रूम मैंने धो दिया है, ये देखिए पानी से सब अच्छे से साफ कर दिया है। और अब जाते हैं दोस्तों किचन में काम लगाने, मतलब किचन साफ करने। बाबू के लिए कपड़ा निकाल दिए, वो बोल रही है कि ब्लॉग में दिखाइए जो बाबू को पहनाएगी। अच्छा ये वाला पहनेगी, कोई वाला को पहना, ब्लू वाला तो पहनेगा, वो करते घट तो जाएगा। तो अभी गाइस इस पे क्या करेंगे, देखिए इस पे अभी सरफ घोल रहे हैं और स्लेट पे डाल करके उसको अच्छे ब्रश से रगड़ लेंगे ताकि जो भी काला काला जो जमा हुआ है गंदगी वो साफ हो जाए। इसी तरह से दोस्तों नीचे भी करेंगे साफ। देखिए गाना सुनिएगा जरा, अब टाइम चेंज कर रहे हैं, बजे देती है उसी में, देखिए कैसे, देखिए देखिए देखिए
देखिए कैसे कैसे गाना सुनती है इतना तेजी है बोल रही उसी में बचेगा बाद में हिंदी का नाम उसी में बचेगा भोजपुरी का नाम बार बार चलो दोस्तों ये ऊपर वाला स्लेब देखिए साफ कर दिए हैं। अब नीचे वाला जो वो चूल्हा है उसको चूल्हा साफ कर देंगे और काजल को बोलते हैं काजल खाना बनाने के लिए तैयारी करेगी। बस ये नीचे वाला जो रह गया नीचे वाला हम अभी तुरंत साफ करेंगे। तो दोस्तों घर पर सारा धो दिया और अभी मम्मी उधर बाथरूम में नहा रही है, हम भी नहाएंगे उसके बाद। और इधर काजल किचन में आ गई है अपना काम करने और अभी बना रही है आलू दम। तो दोस्तों मम्मी हो गई नहा के रेडी और बाबू को जा रहे हैं रेडी करने। अभी दूधवा के लिए रो रहा था, अभी दूध दूध पिया है और ये देखिए शक्कर मुँह में डाला हुआ है इसीलिए ये चूप है भी है। और इसके कपड़े भी निकाल दिए इधर, ये देखिए ये नया वाला पहनने का, ये वाला नया वाला पन्ने का जो पापा लेकर के आए थे खोख रहा है खोख। अरे 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 पहना 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 है पहना है जल्दी से। ये वाला दोस्तों टोपिया देखिए, ये वाला टोपिया पहनता है तो और मस्त लगता है। बस हो गया बच्चा। अब तैयार होके दोस्तों जानते हैं शाहरुख खान बनेगा अभी, इसको थोड़ा धूप में लेके जाएंगे। ये देखिए दोस्तों दुगवा तैयार हो गया नया नया पहन के। अरे अरे बोलो हेलो, बोलो हेलो दोस्तों। अच्छा लग रहा है टोपिया ये वाला ना देखो। अरे टीका पड़ गया। अरे 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 अल्ले तो दोस्तों जब तक मम्मी बाबू के ले रही है तो हम इधर जो ये देखिए चूड़ा आया है, ये तिलकुट है, इसमें गुड़ है और इसमें दूध है और काजल जो इधर सब्जी बनाई है वो है। दोस्तों दही नहीं लिया था क्योंकि दही बिना था, तो दही नहीं लिया क्योंकि कोई बेचने ही नहीं आया दही, अब तो दही नहीं ले पाया। तो इसको दोस्तों अभी क्या करेंगे इसको धोएंगे और थोड़ा सा इसको फूलने देंगे, उसके बाद नहा के खाएंगे क्योंकि काजल अभी ना रही, उसके बाद हम नहाएंगे उसके बाद खाएंगे। तो ये दोस्तों पूजा की थी और ये प्रसाद। खुश रहो जीते रहो हमेशा अच्छे से खेलो कूदो। तो दोस्तों हम नहा लिए हैं और ये जो चूड़ा है उसको फूलने के लिए दे दिए थे, मतलब फूल धो करके और उसको रख दिए थे। अब इसको निकाल करके दोस्तों दे रहे हैं मम्मी को खाने के लिए और फिर मम्मी को दे करके हम और काजल फिर खाएंगे। तो अभी दोस्तों ये देखिए निकाल रहे हैं चूड़ा मीठा और आई होप आप सभी अच्छे से खा लिए होंगे और अच्छे से मनाए होंगे। अभी दोस्तों क्या किया है, ये चूड़ा निकाल लिए हैं, इसमें सब्जी निकाल ली है, ये काजल बनाई थी आलू दम और इधर से ये देखिए तिलकुट जो कि बहुत फेमस है हमारे तरफ डंगरा का तिलकुट, मम्मी के लिए। हाँ दे रहे दूध निकाल और इसमें से गुड़ निकाल के देंगे अभी दोस्तों, अभी गुड़ देना है और दूध निकाल रही है काजल उधर से, बड़ा है इसको तोड़ो ना। तो यहाँ दोस्तों मम्मी के लिए खाना यहाँ ला करके रख दिए हैं, सोचे टीवी वाले रूम में होगी लेकिन नहीं, तो वो बाबू को लेकर रखी है मेरे वाले रूम में और बाबू उठ गया है शायद, ये देखिए लेके जा रही है जो वहाँ खाना वाला उसको खा ले। और अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे अपना खाना, दे दे खाना लेके निकल ले कर ले आराम से आराम से आराम से बैठ बैठ कुर्सी पर बैठ वहाँ कुर्सी वहाँ वहाँ बैठ। अरे यार ये दोस्तों इसी तरह से इसका दर्द होते रहता है हमेशा, जहाँ पे टाका पड़ा है ना वहाँ पे इसको दर्द बहुत ऐसे ही होते रहता है। तो कुर्सी पर बैठ थोड़ा देर, जो बैठ वहाँ पर कुर्सी पर बैठ। इसका दर्द दोस्तों अभी तक ठीक नहीं हुआ, 3 महीनों से ज़्यादा हो गया है बट दर्द होते रहता है, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा देर रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर दर्द देगा बहुत तेज फिर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों खाना निकाल लिए हैं, ये देखिए इसमें चूड़ा और आलू दम लेकर के जा रहे हैं छत पे, काजल और जो सामान है वो लेकर के चली गई है छत पे, तो हम भी जा रहे हैं छत पे दोस्तों, हम लोग वहीं मिल के बैठ के खाएँगे। मम्मी तो टीवी रूम में बाबू को लेकर के खा रही है, तो चलते हैं छत पे।
पानी नहीं लिए हैं, पानी फिर लेना पड़ेगा आके। ले लेनी गुड्डी रे। अरे वाह क्या बात है, ये देखिए ऊपर पतंग उड़ा रहा है ये लड़का। तो दोस्तों हम लोग बैठ गए खाने पे, ये रहा खाना हमारा आज का, चूड़ा मीठा आलू दम तिलकुट दूध दही नहीं लिए थे। कोई बात नहीं, हम लोग यही खाएंगे। आई होप आप लोग भी अच्छे से खा लिए होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट मना लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग खाते हैं क्योंकि भूख लग ले बड्डी कस के, और बच गया होगा करीब 3:15, क्योंकि घर वर धोने में और सफाई वफाई करने में बहुत टाइम लग गया था, तो भूख भी लग ले कस के। ऊपर देखे ना मुड़िया कह ले नीचे कह ले कर ले पागल जैसा, धूप लग रहा था ऐसे कर लेते तो। आलू दम मसाला गम भोजन आते छमा छम। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया कसम से एकदम कंफर्ट, बहुत मस्त बन गए, मज़ा आ गया। पूरा ख़त्म कर देंगे दोस्तों, देखिए ना अभी पूरा ख़त्म करेंगे। चल ले पहला ने वाला तुम ही खा, पहला ने वाला तुम ही खा। तो दोस्तों खाना वाना खा लिए हम लोग सब कोई, और अब दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा करेंगे आराम क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और वीडियोस भी एडिटिंग करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडिटिंग करने में। तो अभी चलते हैं दोस्तों अपने रूम में और वीडियो एडिटिंग करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर, मतलब एडिटिंग करते करते रेस्ट हो तो जाएगा ही जाएगा। और ये देखिए खा करके काजल पूरा तभी आई है, लेटी है इसको बोल रही है ठंडा ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों हो गई है शाम और हम अपने रूम में हैं, दुगवा को दूध पिला रहे हैं हम, अपना नहीं बोतल वाला। और पीछे काजल सो रही है, उस समय से अभी तक सोई है बेचारी, उसके पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, दवा खाई है थोड़ी देर पहले। और शाम हो गई तो खाना भी बनाना पड़ेगा, बोल रही है खिचड़ी बनाने के लिए। दोस्तों ये देखिए काजल खिचड़ी डाल रही है, और खिचड़ी डाल रही है फूल गोभी डाल के बना रही खिचड़ी, हाँ ठीक है। तो साथ में दोस्तों चोखा भी डाली है, तो मज़ा आ जाएगा खिचड़ी और चोखा, मज़ा आ जाएगा। और कुछ नहीं, बस खिचड़ी बन जाए और खिचड़ी खाएंगे रात को। अभी दोस्तों देखिए घर में रूम में आग जलाए हैं, क्यों, क्योंकि रूम जो धोए थे ना वो बहुत रूम उसके मतलब जो रूम धोए हैं उसके वजह से रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसीलिए इसको जलाए हैं ताकि रूम गर्म हो जाए। और अभी बाबू था, धुआं भर गया है, उसके वजह से बाबू को टीवी वाले रूम में कर दिए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। खाना निकाल के रखा हुआ है, देखिए खिचड़ी, इधर खिचड़ी है और इधर देखिए चोखा है, और दोपहर वाला थोड़ा सा सब्जी है और 2 रोटी है। तो दोस्तों सारा काम खत्म, आज का दिन बढ़िया रहा, अच्छा रहा। और ये देखिए बाकी दोनों मम्मी बाबू दोनों सो रहे हैं अपने में, मतलब बाबू की मम्मी और मम्मी की बाबू आराम से सो रहे हैं, और हम भी अब जाते हैं दोस्तों सोते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।